मुझसे मेरी नींद छीन कर तुम्हें मैं चैन की नींद सोने दूंगी? कभी भी नहीं हो सकता। उसका हाथ ऐसे थामे खड़े थे जैसे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। एनी, हमारी जिंदगी में अहम है वो। ऑफिस की सारी फाइलें वो संभालती है, और अगर उसने हमारा साथ ना दिया तो मैं कभी यहां से बाहर नहीं निकल सकता। वो आंटी यहां आई थी? कौन सी आंटी? वो जिनसे आपके बाबा दूसरी शादी करने वाले हैं। Very nice. बाबा देखिए माँ मेरे लिए कितने ज्यादा गिफ्ट्स लाई है। ठीक है बेटे, आप जाएं अपने कमरे। प्रेमशा को क्यों भेज दिया? मैं तो उसी से मिलने आई थी। उससे मिलने आई थी या मेरी जासूसी करने आई थी? तुम जो भी समझ लो। मैरीन, तुम कभी भी नहीं बदलोगी। मुझे इल्जाम देने से पहले अपने बारे में सोचा है तुमने? चाहती क्या हो तुम? मुझे मेरी बेटी दे दो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उसके लिए जरा सा भी वक्त नहीं है। और जो रंग रलियां तुम मना रहे हो उसमें तुम्हारे पास वक्त है? कल जब तुम उस एनी से शादी कर लोगे तब? मैं उससे शादी नहीं कर रहा। क्यों, इनकार कर दिया क्या उसने? मेरी वो शादीशुदा औरत है। अगर तुम यहां आके मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ बहकाओगी तो मुझे तुम्हारा यहां आना बंद करना पड़ेगा। तुम कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा? कैसे पता चल जाता है कि मैं हूं? इसकी दो तीन वजूहत हैं। मेन वजूहत तो ये है कि तुम्हारे अलावा मेरी आंखों पे इस तरह हाथ रखता कोई नहीं, और दूसरा तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूं। वाओ, इतना जबरदस्त स्टाइल है। कौन सी फिल्म का है? तो फिल्म का लेकिन याद नहीं आ रहा नाम। क्या मतलब है तुम्हें मेरी ये फीलिंग्स जो है तुम्हारे बारे में? मजाक लगती है। मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही था तुम्हारा। तुम तो सीरियस हो गए। मैं सीरियस ही हूँ मैडम, और आप बताएं आप सीरियस कब होंगी? या मैं ऐसे टाइम जाया कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ तुम्हारे साथ क्यों बैठी हूँ? टाइम पास। ओह क्या हुआ ना? तुम बैठो तो सही, रात हो गई हो। बेटा क्या सोचा है तूने? किस बारे में अम्मी? बेटा यही कि अदनान से कब बात कर रही हूँ। उसकी शक्ल तक देखने को दिल नहीं चाहता मेरा, बात कैसे करूं? बेटा इस तरह से कब तक चलेगा? बात तो करनी पड़ेगी ना उससे। अम्मी, मामा मैं आपसे एक बात कहूँ तो मानेंगी? जी मेरी जान, बोलो। मम्मा मैंने बाबा के पास जाना है। तो बाबा अभी नहीं मिल सकते आपसे। क्यों? बाबा बाबा बाबा, उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, और तुम हर वक्त उन्हीं का नाम लेती रहती हो। खबरदार जो मेरे सामने उनका नाम लिया तो। मामा बिल्कुल अच्छी नहीं है। निम्रा! एनी! क्या हो गया तुम्हें?
भी ये मुझे कसूरवार समझती है। बच्ची है वो और अपनान बाप है उसका। अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम्हारी परेशानियों को समझ सके। पता नहीं मुझे समझेगी भी या नहीं। कैसी बातें कर रही बेटा, बच्ची है वो, समझ जाएगी। परेशान मत हो, देख रुला दिया ना तूने उसे, मैं देखती हूँ उसे। मुझे तो कभी कभी इस फ्रॉड में तेरा हाथ लगता है। मैं अदनान का केस वापस लेता हूं अगर आप चाहें। इतना पुरसकून किस तरह बैठा हुआ मेरे ऊपर यहां गुजारा हुआ एक एक लम्हा बहुत भारी यार। मैं इसलिए पुरसकून हूं कि मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसूर हूं और बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। सिर्फ तुम तो मेरा क्या होगा नान? मेरे कहने का यही मतलब था हम दोनों। लेकिन होगा कैसे यार, एनी ने शहर का बहुत बड़ा वकील हायर किया, उससे बात हुई है, वो कहता है वो हमारा केस जीत जाएगा, हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। वाकई? लेकिन एनी भाभी आज अभी तक क्यों नहीं आई? कोई ज़रूरी काम होगा यार, सारी जिम्मेदारियां अचानक उस पर पड़ गईं, सब कुछ तो वही देख रही है। कहता हूँ तो सही है तू, सलमान साहब से भी बात हुई? पूछना भूल गया यार। ये समिया तुझसे क्यों मिलने आती है यहाँ पर? ऐसे ही यार, आजकल की लड़कियों का पता तो है तुझे, पर आज के बात कर ली तो कुछ और समझने लगती है। सही से बता, यही बात है या कोई और चक्कर है? क्या मतलब और क्या चक्कर? उसे ये जो चक्कर पड़े हुए कम है। हाँ बात तो सही है, अब देखना 2 दिन रह गए हमारी पेशी में, पता नहीं अदालत क्या फैसला देती है यार। तो यार तू खुद भी परेशान रहता है और मुझे भी परेशान करता। तो क्या करूँ मैं तेरी तरह चिल नहीं कर सकता यार, आई एम सॉरी। मुझे तो कभी कभी इस फ्रॉड में तेरा हाथ लगता है। क्या कहा तूने? अरे तू तो सीरियस ही हो गया, ऐसी बात नहीं करूंगा। मुझे मजाक में भी ऐसी बात पसंद नहीं है, समझा? ओ अच्छा भाई, आइंदा नहीं ऐसी बात करूंगा, अब खुश। गलती से भी किसी के सामने बात ना कर दी, सारी जिंदगी के लिए फंस जाएंगे जेल। ठीक है, सही है। अदनान मैं चाहूं भी तो तुम्हें माफ नहीं कर सकती, हर मोड़ पर तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों तुम मुझे कह देते, मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाती। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तुमसे बदला लूंगी।
मैंने तुम्हें बहुत चाहा, लेकिन अब उस मोहब्बत की जगह नफरत ले चुकी है। जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं भी तुम्हें धोखा दूंगी। क्या बात है, कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हो? जब अंदर अंधेरा हो जाए तो बाहर की रोशनी उसे कम नहीं कर सकती। अम्मी, बुरी बात, मायूसी गुनाह है बेटा। मायूस नहीं हूं मैं, भी तो मुझे रास्ता मिला। अरे हाँ, तेरी बातों में तुझे ये बताना भूल ही गई, तेरे बॉस आए। सलमान साहब आए? हाँ, अगर तू मुझे बता देती तो मैं उन्हें मना कर देती बेटा। नहीं अम्मी, आप उन्हें बिठाए, मैं आती हूँ। बिठा के तो आई हूँ, चल मुहात होते। सर प्लीज बैठे। अब आपके पांव की दर्द कैसी है? ठीक है। यानी आप मुझसे नाराज हैं? नहीं सर, और हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक भी नहीं है कि मैं आपसे नाराज हूं। जी हाँ, मैं जानता हूँ। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिस पर मैं आपको माफ करूं। जानता हूँ मैंने आपको हर्ट किया है ना चाहते हुए। मुझे आदत हो गई है इन छोटी छोटी बातों पे हर्ट नहीं होती मैं। लेकिन सर प्लीज, इसके अलावा अगर कोई बात है तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका वक्त मुझसे ज्यादा कीमती है। अगर मैं कुछ ऐसा कहूं जिससे आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएं तो? क्या जाने मुझे क्या क्या तकलीफ है। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं सर, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, मैं दुखों का मदावा करना चाहता हूं। मैं अदनान का केस वापस लेता हूं अगर आप चाहें। साविया, तुम क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। तुम दानियाल को साथ नहीं लेके आई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो आपको इस हाल में देखे। मैं जानती हूँ कि आप दानियाल के लिए कितने बेकरार हैं। तुम ठीक कहती हो, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। राफे, मैंने वकील से बात कर ली है। वकील से? पर क्यों? वकील की फीस कौन अदा करेगा, सोचा है तुमने? मैंने सोच लिया है, मैं अपना सारा जेवर बेच दूँ। एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत, ये सही है
मोहब्बत को रिश्ते की दीवार में कैद नहीं किया जाता। फिर मोहब्बत के बदले में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो चली आती हूँ यहाँ। अगर तुम्हें या तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी। यार मैंने कहा तो है यहाँ से निकलते डिवोर्स दे दूंगा। मैं अपना सारा जेवर बेच दूँ और जितने पैसों का इंतजाम हुआ सब वकील को दे दूंगी। नहीं सादिया, तुम ये हरगिज नहीं करोगी। सुन लिया तुमने? लेकिन क्यों सादिया? वो मेरे बेटे के मुस्तकबिल के लिए रखो। आगे क्या हालात होते हैं किसे खबर। लेकिन उनको बेचे बगैर मैं पैसे कहां से लाऊंगी? कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कोई पैसा जमा करने के लिए। मगर क्यों? अदनान ने मुझसे वादा किया है हम दोनों का केस लड़ेगा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सादिया। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अदनान पर भरोसा नहीं है। ऐसा बोलो अगर उसने सुन लिया तो। मैंने कहा ना हम दोनों यहां से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, भरोसा रखो। राफे, आप ही तो हमारा मुस्तकबिल है, अगर आपको कुछ हो गया हम क्या करेंगे? सादिया मुझे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तुम्हें घर चलना चाहिए, रात होने वाली है, अकेले घर जाना है तुम्हें। जाओ शबाश। और हाँ दानियाल को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार देना। जाओ। वाकई सच कह रहा हूँ, मैं अदनान का केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्यों? सच बताऊं? जी। मैं आपको इस दिन परेशान नहीं देख सकता। मैं परेशान नहीं हूँ। हकीकत छुपा रही है। लेकिन आप भूल गए हैं कि आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ है अदनान की वजह से। मैं आपकी खुशी के लिए कोई भी नुकसान सह सकता। सलमान साहब मैं आपका कोई एहसान नहीं लेना चाहती। यानी ये एहसान नहीं है तो फिर क्या है? आपने खुद कहा था कि अदनान बेकसूर है। शायद सच ही हो। ना तो मैं कोई वकील हूं ना जज हूं तो फिर आप मेरे फैसले पे यकीन क्यों कर रहे हैं? यानी मेरे लिए आप ही सब कुछ है। सर प्लीज बस करें। ये प्यार मोहब्बत ये सब कुछ एक घिनौना मजाक लगता है मुझे। मैं जानता हूं आप हर्ट होती है लेकिन मेरी फीलिंग्स मजाक नहीं है। तो फिर एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत ये सही है? मोहब्बत को रिश्ते की दीवार में कैद नहीं किया जाता। फिर मोहब्बत के बदले में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता हूँ आप जहां भी रहें खुश रहें। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो प्लीज यहां से चले जाइए। हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इजाजत नहीं कि मैं आपकी मदद करूं। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आपने पहले ही मुझ पर बहुत एहसान किया। मेरी मदद के बगैर अदनान को आप छुड़ा नहीं सकते। मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरा मामला है, मैं खुद ही इसे हैंडल करूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिए कि इस दुनिया में एक इंसान है जो आपको हमेशा खुश देखना चाहता है। आपे पाया कुंडिया ते आपे खिचना डोर साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे साडे वाल मुखड़ा मोड़ कौन करता है वफा ओ रब्बा कौन करता है वफा। अदनान समिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? अदनान मैं तुमसे मिलने आई हूँ, और क्यों आऊंगी? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ नहीं आना। कैसी बातें कर रहे हो अदनान? मैंने कहा ना। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखो समिया, इन्हीं को तुम्हारे आने का पता चल गया, बड़ी मुश्किल से समझाया उसको, अब अगर दोबारा देख लिया तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हो अच्छा, आज वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि तुम मुझे यहाँ आने से मना कर रहे हो, तो ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है थाने के चक्कर काटने का। देखो तुम समझ क्यों नहीं रही है, एनी मेरा केस लड़ रही है, अगर वो मुझसे नाराज होगी तो मैं कभी यहाँ से नहीं निकल सकूंगा। तो ये तुम्हारा मसला है, और मैं तुम्हें कभी इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस तरह से मेरे साथ रूड बिहेवियर रखो। अच्छा यार, आई एम सॉरी ना, तुम तो नाराज हो गई हो। तुमने बात ही ऐसी की है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो चली आती हूँ यहाँ, अगर तुम्हें या तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी। यार मैंने कहा तो यहाँ से निकलते डिवोर्स दे दूंगा, तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? मुझे तुम पे पूरा यकीन है। ये हुई ना बात, अब तो मुझे इंतजार है कि कब बाहर आओगे और हम शादी कर लेंगे। शादी तो हो ही जाएगी यार, पहले ये बताओ जो काम मैंने कहा था वो हुआ? काम तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि सारा इल्जाम किस पर डालूं, मतलब तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना होगा, सारे कागजात किसी के नाम पर होंगे तो ही कुछ हो सकता है। ओके ठीक है, अब तुम सोच लो, मैं अब चलती हूँ। तुम जरा खर्चा करते हो, जरा ख्याल कराया करो, तुम्हारे मियाँ की तनख्वाह नहीं है इतनी ज्यादा, अभी पहली गई को 10 दिन नहीं हुए, तुमने 40,000 रुपया खर्च कर दिया है। Excuse me. हाँ चलो ठहरो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी बीबी, क्या टाइमिंग है आपकी भी जी? क्या मतलब? और मतलब ये कि उस दिन भी तुम आई और तुम्हारे मियाँ को मिलने के लिए कोई लड़की आई हुई थी, पता नहीं वो तुम्हारे मियाँ की क्या लगती है, आज तुम फिर आई हो और वो पहले से मौजूद है। क्या मैं मिल सकती हूँ? हम तो चाहते हैं कि आप जरूर जाओ, लेकिन थाने के डिसिप्लिन का भी कोई मामला है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। क्या जी? कुछ नहीं। ये ले, वो आ गई हैं। समिया? हाँ, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने आई थी। रिश्तेदार? हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस में बहुत काम। अच्छा मैं किसी और मूड चला जाऊंगा, हमारे पास के बारे में कोई भी नहीं जानता हूं। बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो कहां से आएंगे? मैं अदनान से तलाक लेना चाहती। ये औरत को खुदा ने मोहब्बत के खमीर से बनाया है, लेकिन जब औरत अना और जिद का लिबादा ओढ़ लेती है ना, तो अपना सब कुछ तबाह कर लेती है। समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है।
मैंने तुझ पे एतबार किया है, तूने खुद कहा था तू मेरे केस लड़ेगा।